और दोस्तों क्या हालचाल, समस्त है? वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है हमारे यहाँ का बाजार का दिन है और आज मेरी दुकान बंद है। क्यों बंद है आगे पता चलेगा, और संडे को व्लॉग क्यों नहीं आया था वो भी आगे पता चलेगा। कैसे, स्कूल नहीं जाना है आज? एक बजने लगता है, अभी तो 10:30 बज रहा है ना। तो दोस्तों अभी मैं गया था गुरुजी के यहाँ से टेप लेने, इंची टेप बोलते हैं इसको, और मैं ऊपर में ना एक छोटा सा रूम बनवा रहा हूँ। मैं ये सोचा था कि जब कंप्लीट बनवा लूंगा तभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन ना आज सडनली दुकान बंद करनी पड़ी, मतलब सामान वामान बनवाने जाना है उसी का, ऊपर वाले का, तो उसके चक्कर में बंद करना पड़ रहा है। मान लो अगर आज दुकान बंद कर दूंगा तो वीडियो तो दुकान का बना नहीं पाऊंगा, ठीक है? तो वीडियो तो बना के कुछ देना ही पड़ेगा। संडे को इसी चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं बनाया था, कि मैं सोचता था आपको सरप्राइज दूंगा पूरा, जब पूरा बन जाएगा ना उसके बाद ही दिखाता, लेकिन क्या करें, इसको देख आ जाता हूँ। चलिए हाँ मिल गया। तो ये देखिए फिलहाल यहाँ पे काम चल रहा है, और यहाँ पे ना मैं स्टूडियो टाइप से बनवा रहा हूँ। मतलब एक रूम तो मेरे पास नीचे भी है, बट ना उसमें आवाज़ गूंजेगा अगर मैं वो जो फिल्टर आता है, वॉइस फिल्टर वाला, इको फिल्टर आता है, उसको भी लगाता है, लेकिन नीचे मान लो दो चार लोग आके बैठते हैं तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ऊपर करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दीवार खड़ी होगी, यहाँ पर एक विंडो करवा दूंगा, और पीछे ये मेरा बैकग्राउंड रहेगा, और कोई भी वीडियो बनाता है मान लो, और यहाँ से भी एक विंडो रहेगा, यहाँ पर एक डोर। अब आपको पता है कि मेरे पास दो चैनल हैं और दोनों चैनल मेरे मूवमेंट वाले हैं, मतलब मूवमेंट मतलब ये बता रहा हूँ मैं, हाँ ये बोल रहा था कि एक चैनल में मेरे को डेली व्लॉग जाना पड़ता है दुकान लेके फलाना ठिकाना, ठीक, और दूसरे में मेरे को जाना पड़ता है बाहर फूड व्लॉग बनाने के लिए, है ना। तो मैं हो सकता है नया चैनल चालू करूंगा इन फ्यूचर, और ऐसा चैनल जो कि मैं बैठ सकूँ एक जगह वीडियो बना सकूँ, और ना ही इसमें आपको फूड व्लॉग वाले चैनल पर वीडियो मिस होगी, मतलब कभी कभार होगी तो ठीक है, और ना ही आपको डेली व्लॉग मिस होगा। अब मैं कैसे मैनेज करूंगा वो देखता है, इंटरेस्टिंग होगा। मतलब ये चैनल पे कम ही ध्यान दूंगा, बिगली कभी कभी वीडियो आ जाएगी। अब देखते हैं कौन सा खोलना है, दो चीज़ सोच के रखा हूँ मैं, देखते हैं। बालू बहुत पतला है ना भैया, ये पतला है, हम लोग ना ये बालू डलवाए थे टाइल्स के लिए, लेकिन टाइल्स तो लग नहीं पाई नीचे तरफ रूम में, तो मैं सोच रहा हूँ इसी काम में यूज़ हो जाए भैया फिलहाल, और ये पिलर खड़ा करवा दिया हूँ इतना अभी मैं, देखते हैं अब। और ये हमारे मिस्त्री भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? लल्लू देवांगन। और ये लेबर भैया हैं, आपका क्या नाम है भैया? राजवाड़े। राजवाड़े हैं। तो अभी मैं ईंटों में पानी डाल रहा था, और वही आधा घंटे के आसपास क्या ना पाइप थोड़ा छोटा पड़ गया, इसलिए वहाँ तक नहीं जा पाया। अभी मैं जा रहा हूँ ग्रिल का वो देने, मतलब जो खिड़की में लगता है ना लोहे का, वो ऑर्डर देने जा रहा हूँ, उसको देखा जाता हूँ। उस दिन भी मेरे पास ऐसे ही कुछ काम थे, संडे के दिन छड़ लाना, मिस्त्री अरेंज करना, फिर थोड़ा मोड़ा काम करवाना, इसी चक्कर में मैं सोचा कि क्या ही बनाएंगे व्लॉग, लेकिन मैं बनाना चाहिए था, मैं क्या पता कि बीच में सब बताना पड़ेगा। मस्त रूम बन जाएगा पूरा कंप्लीट, उसी दिन आपको व्लॉग बना के देता है एकदम सेपरेट। तो अभी मैं ग्रिल डाल के आ गया हूँ, वो जो सब्जी का ऑर्डर देना था ना, सुबह के आ गया हूँ, फिर से यहाँ पर पानी मार देता हूँ, वही थोड़ा थोड़ा मार देता हूँ। गर्मियों में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, तो काफ़ी मतलब गर्मी में ना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है ट्राई करने के लिए, बट ठंडी में उतना दिक्कत नहीं होता। और मैं ये बोल रहा हूँ रोज़ का ब्लॉग मालूम मेरा इंटरटेनमेंट वाला होता था, और ये ब्लॉग ना इन्फॉर्मेटिव वाला है, इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन। अच्छा मैं रेट बताने वाला हूँ, बताऊँ कि इनका जो रेट आया था दोस्तों वो आया था 8,000 रुपये का एक हेक्टर, और बालू तो 1,000 रुपये का एक हेक्टर। लीजिए भैया भरिए भरिए भरिए। और क्या लाया हूँ, अभी मैं लोहा का ऑर्डर लेके आया हूँ, 85 रुपये किलो में पूरा बना देगा वो, 85 रुपये किलो में वो पूरा बना देगा। और मिस्त्री भैया है 500 रुपये पर डे पे, और लेबर भैया है 300 रुपये पर डे पे। और जो छड़ डलवाया हूँ उसको लाया हूँ मैं 60 रुपये किलो। और आप लोग की तरफ क्या रेट है, कैसा रेट है नहीं पता, ठीक है ना, ऊपर नहीं भिजाना पड़ता है, ठीक है ना, यहाँ भी भिजा दे रहा हूँ, ऊपर ले जाके भिजाओ फिर ऊपर ज़्यादा गीला हो जाएगा ना, यहाँ नीचे ठीक है, तो इसको मरम देता हूँ यहीं पर थोड़ी देर अच्छे करके, तब तक ये होता रहेगा, चलता हूँ जब तक ऊपर देख के आते हैं। और ये भाई साहब देखो 3-3 ईंटा करके ले जा रहे हैं, और काफ़ी ऊपर भी पड़ जाता है इसलिए। तो अभी दोपहर के 2 बज गए हैं, और फिर से मतलब भैया लोग खाना पीना खा लिए हैं, अब ना फिर से फर्मा डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फर्मा लगा के मतलब जैसे वो उतना ऊपर है ना वैसे ये इतना ऊपर करेंगे। और ये भाई साहब आज फिर आ गए फर्मा डालेंगे ना उसका, कितना का मसाला बनाएंगे फर्मा वाला? 2.5 तगाड़ी बालू और 1 तगाड़ी सीमेंट। सुबह से मैं भी खाना नहीं खाया हूँ, मैं अच्छा खाना खाऊंगा, लेकिन अभी डुगडुग और डुगडुग की मम्मी के छोड़ के आया हूँ। ये जो बगल में भैया रहते हैं ना, इनके बच्चे का मुंडन है, तो वो मंदिर गए हैं, महामाया मंदिर,
यहीं पास में एक हमारे यहाँ है, तो अभी हम लोग वहीं गए हैं। और सर जी क्या हाल चाल? क्या खाना है? चाट खाना है, फुल्की खाना है, दही वाला खाना है, टिकिया वाला खाना है? टिकिया वाला रही है ना, टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। एक सरिया यहाँ से निकल चुका है, ये देखिए मैं डलवा रहा था लेकिन फिर मैं बोला हो गया। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे फर्मा का मसाला बन रहा है, वही 10 तगाड़ी बालू रहता है, 10 तगाड़ी बालू रहता है, 1 बोरी पूरा सीमेंट रहता है। और गिट्टी कितना रहता है भैया? 13-14 मतलब अपने हिसाब से है ना, उसमें भरना है अभी, उसमें भरना है। और उसके बाद फिर नीचे यहाँ पे 5 इंच की दीवार खड़ा करेंगे, 1 इंच की दीवार ना, और वहाँ पे भी 1 इंच का, उधर तो पूरा 9 इंच की दीवार है। ठीक है देखते हैं, और स्टूडियो बनेगा उसके बाद क्या चैनल चालू होगा कैसा होगा वो सब आपको आगे पता चलता रहेगा। इसीलिए मैं संडे से दुकान बंद किया था, मतलब बाद में बताऊँगा, लेकिन चलो बताना पड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग उसे कुछ छिप भी नहीं सकता, छिपाना चाह रहा था लेकिन छिपा नहीं पाया। तो यहाँ पे ना काम कंटिन्यू है, मैं सोच रहा हूँ खाना खा के आ जाऊँ, मोटू भाई साहब भी जा रहे हैं, आराम से ना लुड़खड़ा मत जाना कहीं अचानक से, लड़खड़ा मत जाना, खाना नहीं खाया सुबह से मैं, अभी खाता हूँ। और यही सीट को रखवा दूंगा उसके ऊपर, देख इसी को, उसके ऊपर सही रहेगा ना, ठीक रहेगा, बन जाएगा। और बांस लाऊंगा या फिर वो क्या बोलते हैं पाइप, मतलब पाइप लगवा दूंगा और इसमें सफ़ेद वाला पेंट करवा दूंगा, काफ़ी अच्छा दिखेगा। और ये मेरी बाइक अभी तक लंबे टूर पे नहीं गई है, कम से कम 2 महीना हो गया, और जब निकलती है तो सीधा 1500 किलोमीटर चलती है इकट्ठे, अंदर का ठंडी लगता है ना, तेज तेज। तो मैं खाना निकाल लिया हूँ, और देखो दाल चावल, थोड़ी सी मिक्सचर नमकीन, और उसमें साथ पानी पूरी, इसको फोड़ के खाऊंगा, बड़ा अच्छा लगता है। तो 3:30 बजने वाले हैं और मेरी पानी पूरी खत्म होने वाली है, ठेला में रहता था तो यही बोला करता था। आज आया हूँ तो ये फर्मा ढल चुका है, ये वाला कंप्लीट, और ये वाला भी कंप्लीट हो चुका है, मैं ये सोच रहा था कि जल्दी जल्दी हो जाए। अब देखते हैं चैनल कौन सा चालू करेगा, ये भाई सस्पेंस रहेगा फिलहाल अभी के लिए भाई। तो अभी ना मैं ATM आ गया हूँ, और ये नहीं पता कहा है कि मेरा दाग होने लगा यहाँ पे माथे में, समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, तो अभी मैं ATM से आके पैसे निकाल रहा हूँ, ताकि लेबर मिस्त्री जो है ना भैया लोग उनका पेमेंट कर सकूँ। और कल सोच रहा हूँ कल फिर दुकान खोलूँ कि नहीं खोलूँ, वैसे मैं ना घर में बैठ के मज़ा नहीं आया, अगर मैं दुकान नहीं खोलता हूँ तो वही इधर उधर और खोल लेता हूँ तो अर्निंग करके वहाँ से ना मैं इनको पेमेंट कर सकता हूँ ठेला लगाने के बाद, लेकिन देखते हैं अब। तो अभी मैं डुडुक को लेने आ गया हूँ, ये देखिए, और ये ना भैया के यहाँ आई थी, इनके भतीजे का मतलब इनके जो छोटे भाई रहते हैं मेरे बगल में रिंकू भैया, उनको जाते हैं आप, उनके बेटे का मुंडन था, चलते हैं घर ना, बहुत ठंडी बेटा, घूम लो बेटा घूम लो, बू पापा पू कैसे सर जी, यहाँ पे देखिए एक शेरनी है, ए काटने का नहीं, चलो बैठ बेटा, बैठो गाड़ी बैठो, चलो चलिए आप भी घर चलिए, भैया आ गए हैं घर के बगल में हैं, हाँ पड़ोसी पड़ोसी पीले पीले और मैं भी पीला पीला, ये देखो ये भी पीली पीली, चलो जल्दी पकड़ो, कहाँ पे आती घूम रही थी, चलो 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 चलो। तो वहां से मैं डुडू को शशि को ले आया था, और इसके बाद फिर मैं चला गया था कहीं बाहर चला गया था, और अभी खाना पीना खा के लेटा हूँ, अभी वही घर में बात भी कर रहा था मम्मी से, बाजार में उधर से बाजार होते हुए आया, और मैं पूरा सामान लेके आया था कल के लिए। यार देखो ना मेरे पापा बोलते हैं कि इसमें अब दरवाजा भी लगवाओ, मेरा मन था दरवाजा नहीं लगवाने का, मैं सिर्फ काम चलाने के लिए कुछ ऐसा बनवा रहा था जिससे मेरी वीडियो वहां पे बैठ के कभी कभी बना सकूं एक आध दो वीडियो, ठीक है, लेकिन बोलते हैं बनवा रहे थे खिड़की भी लगवाओ, ग्रिल भी लगवाओ, दरवाजा चौखट दुनियादारी सब, ऐसे मेरा 30-40-50 हज़ार रुपये इसमें खर्चा जाएगा, फिर टेम्पू का देखना है, बड़ा टेंशन में दिमाग है यार, अगर टेम्पू मिल जाता तो टेम्पू में ही पूरा इन्वेस्ट कर देता, अब इधर भी लगा दे रहा हूँ, और सडनली कहीं टेम्पू मिल गया मान लो मेरे को तो कैसे करूँगा फिर मैं, चलिए देखते हैं विचार बनाएंगे जो भी होगा जैसा भी होगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं बंद करते हैं, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, आई होप पसंद आया होगा, मेरे को मतलब एकदम करेक्ट नहीं बता रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।